सो गाइस हमने शूट करनी थी एक सुजुकी एक्सेस 125 की वीडियो, तो हम आ गए हैं यहाँ धर्म सुजुकी नांगलोई के अंदर। यहाँ पर काफ़ी सारे कलर्स हैं अवेलेबल एक्सेस 125 के, जिसमें ब्लू कलर भी है, वाइट कलर है और एक दो तीन कलर वो खड़े हुए हैं। तो आज आपको सुजुकी एक्सेस 125 के बारे में बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खासियत है और कैसी स्कूटी है ये, चलाने में कैसी है और क्या क्या इस स्कूटी के अंदर फीचर हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो का इंट्रो दे देता हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नॉट्स राइडर, और स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में जो होने वाला है सुजुकी एक्सेस 125 पर। लास्ट वीक मैंने बहुत सारी स्कूटियों की वीडियो कवर की है, जिसमें TVS एंटॉर्क है, हीरो मैस्ट्रो है और होंडा एक्टिवा थी। बस एक सुजुकी की एक्सेस रेडी थी जिसकी वीडियो मैं कवर करना चाहता था, तो मैं आ गया यहाँ पर धर्म स्कूटी नांगलोई के अंदर। तो आज मैं आपको इस स्कूटी के बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ। देखो भाइयों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, इस स्कूटी के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस स्कूटी को दूसरी स्कूटी से बहुत बेटर बनाती हैं। क्योंकि भाई एक बार मैंने सुजुकी एक्सेस चलाई थी लगभग आज से 1.5 साल पहले, हालांकि मेरे पास एंटॉर्क भी थी, तो मैंने मुझे धोला कुआं जाना था, तो मैंने एक दोस्त की स्कूटी ली धोला कुआं जाने के लिए, एक्सेस थी वो 125। तो भाई मैंने उसको चला के देखा तो मुझे ये स्कूटी बहुत पसंद आई थी। तभी से ये स्कूटी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि भाई मैं सोच रहा था कि इस पर भी एक वीडियो कवर कर लूँ, क्योंकि बहुत सारी जो स्कूटीज़ हैं मैंने सभी स्कूटीज़ पे वीडियो कवर की और उनको चला के भी देखा, बट एक्सेस जो BS6 मॉडल है वो मैंने अभी तक नहीं चलाया। तो आज मैं इसी का रिव्यू करने वाला हूँ। तो भाई इस स्कूटी के बारे में आपको बता रहा था कि भाई इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस स्कूटी को दूसरी स्कूटी से अलग करती हैं और दूसरी स्कूटी से इसको बेटर बनाती हैं। वो क्या है चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं इंजन की बात नहीं करूँगा अभी, सबसे पहले मैं बताता हूँ इसकी सीट के बारे में। जितनी भी 125 सीसी की स्कूटी आती हैं उनमें सबसे लंबी, सबसे लॉन्ग और वाइड सीट जो आती है एक्सेस 125 की आती है। और लॉन्ग सीट का मतलब है कि मोर कम्फर्ट, और भाई लॉन्ग राइड पर अगर आप इसको लेके जाते हो तो पिलियन भी और राइडर भी, पिलियन के साथ साथ राइडर भी मतलब कम्फर्ट जोन में बैठा रहेगा। ये नहीं कि भाई खाली राइडर को ही कम्फर्टनेस मिल रही है, राइडर ही कम्फर्टेबल कंडीशन के अंदर है, ऐसा नहीं है इस स्कूटी में। राइडर के साथ साथ पिलियन भी मतलब कि कम्फर्टेबल पोजिशन में बैठ सकता है आराम से। उसका रीज़न है इसकी लॉन्ग सीट, देख रहे हो आप, और सीट भी काफ़ी सॉफ्ट है। मैं बैठ के देख लेता हूँ, ये पोजीशन बनती है भाई बैठने के बाद। और अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड रुको मैं दिखाता हूँ। अतुल एक बार स्कूटी पे बैठियो, ये देखो मैंने अतुल को स्कूटी पे बैठा दिया। अतुल की हाइट लगभग 6 फीट के आसपास तो है, ठीक है। अभी देखो अब वो कितने कम्फर्ट तरीके से बैठा, उसके बावजूद भी रियर वाली जो सीट है उसमें कितनी स्पेस बचती है देख रहे हो आप, काफ़ी स्पेस है। अगर मान लो बंदा पूरा पीछे हो के भी बैठता है तो भी भाई बहुत कंफर्ट जोन में बैठता है, ठीक है, यह आप यहाँ देख सकते हो। अब बात करते हैं भाई इसके जो आगे पायदान बोलते हैं जिसको अपन, इसकी स्पेस के बारे में। देखो इसके अंदर इतनी स्पेस है कि एक सिलेंडर आराम से रखा जा सकता है, मतलब घरेलू यूज़ के लिए इसको बड़े ईजिली तरीके से आप यूज़ कर सकते हो कि भाई एक सिलेंडर आगे रख के आराम से ले जा सकते हो। यहाँ कोई भी ऐसी मतलब कटिंग चटिंग नहीं दे रखी कि भाई सिलेंडर ना आए। और ये देख रहे हो आप ये डिज़ाइन स्पेशली सिलेंडर के लिए है, चाहे तो आप ऐसे लंबा रख लो, लंबा ही रखा जाएगा बेसिकली। तो दो एडवांटेजेस हो गए। तीसरा एडवांटेज मैं बता देता हूँ उसमें क्या है। देखो सभी स्कूटी में क्या होता है, आयरन कास्ट इंजन आता है, लेकिन सुजुकी एक्सेस पहली स्कूटी है जिसके अंदर एल्युमिनियम कास्ट इंजन आता है। एल्युमिनियम कास्ट इंजन होने का मतलब है लाइट वेट इंजन, मतलब कि एल्युमिनियम कास्ट इंजन जो आता है ना, मोस्टली जैसे यामा की बाइकें हो गई और भी कई कंपनियाँ हैं जो बनाती हैं, लेकिन स्कूटी में नहीं बनाती, बाइक में ही बनाती हैं। उसकी खासियत ये होती है कि भाई वो हीट कम होता है, और अगर हीट हो भी गया तो ठंडा जल्दी हो जाता है। तो एल्युमिनियम कास्ट इंजन की यही खासियत होती है। दूसरा वो लाइट वेट होता है। मैं इस स्कूटी के वेट के बारे में आपको बता दूं, 125 सीसी के अंदर ये पहली स्कूटी है जिसका सबसे कम वेट है, मतलब 104 किलो की स्कूटी है भाई, 104 किलो की, सोचने वाली बात है इतनी लाइट वेट स्कूटी है। बाकी छोटे मोटे फीचर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आगे दिया हुआ है चार्जर 12 वोल्ट 2 एम्पियर का। उसके बाद भाई यहाँ एक छोटी सी पॉकेट दी हुई है, पॉकेट भी काफ़ी गहरी है, मतलब मोबाइल फोन्स वगैरह आप रख सकते हो आराम से। भाई अब आ जाते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है वो होती है ग्राउंड क्लियरेंस। आप जानते हो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है, इस स्कूटी की ग्राउंड क्लियरेंस सारी स्कूटियों से ज़्यादा है, मतलब कि 160 mm की इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस है भाई। और 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस आज की डेट में सबसे परफेक्ट ग्राउंड क्लियरेंस मानी जाती है। एक चीज़ और बता दूं आपको भाई, अगर यार स्कूटी की या बाइक कोई भी हो उसके अंदर फीचर बढ़िया दिए हुए ना कंपनी ने, तो वीडियो बनाने में भी भाई मज़ा आता है पूरा पूरा। मेरे को इस स्कूटी की वीडियो बनाने में भाई बहुत मज़ा आ रहा है, सच बता रहा हूँ। मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस स्कूटी के अंदर कोई ड्रॉबैक है। बाकी राइड करने के बाद पता लगेगा कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड है स्कूटी या नहीं है। देखो आगे इसकी हेडलाइट जो है वो आती है LED के अंदर, और इंडिकेटर जो आते हैं वो आते हैं आपके बल्ब में, और DRLs तो होते ही मतलब कि LED है।
बट इसके जो DRLs हैं वो शायद बल्ब में ही दिए हुए हैं, मतलब ये DRLs आप देख सकते हो इंडिकेटर के अंदर ही मिक्स कर दिए हैं। बाकी फ्रंट्स की लुक्स की बात करें तो भाई ये आप देख रहे हो कर्व, ये बिल्कुल एरोडायनामिक बड़े सही तरीके से डिज़ाइन किया गया आगे से। गाइस सीट हाइट की अगर इस स्कूटी की बात करें तो वो है 773 mm, मतलब कि 773 mm की सीट हाइट है। सीट हाइट ज़्यादा ऊंची नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आप की हाइट कम भी है और ज़्यादा भी है तो आप इसको आराम से राइड कर सकते हो। ये आ गई स्कूटी व्हील पे और 773 mm ग्राउंड क्लियरेंस से मेरे शूज़ आराम से ज़मीन पर टिक रहे हैं। ये देखो दोनों ठीक है, सीट हाइट नॉर्मल बंदा भी आराम से चला सकता है। बाइक की सीट हाइट या स्कूटी की सीट हाइट जितनी कम होगी कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़िया मिलेगा आपको। हालांकि एडवेंचर बाइकों की जो सीट हाइट होती है वो ज़्यादा ऊंची होती है, बट वो एडवेंचर बाइकें होती हैं। अगर आप स्पोर्ट्स टूरर या नेकेड बाइक या स्ट्रीट फाइटर की बात करें तो सीट हाइट जितनी कम होगी मतलब उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों गाइस अब जाते हैं इसके कंसोल पे, सबसे पहले कंसोल ऑफ करके ऑन कर लेते हैं। ये ब्लू लाइट से ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हुआ, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग है, उसके बाद जो ट्रिप मीटर है वो आपका डिजिटल है, इंडिकेटर लेफ्ट और राइट, उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये मान लो कोई इंजन के अंदर फॉल्ट आ रहा है या इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट आ रहा है तो आप इस लाइट के थ्रू चेक कर सकते हो कि भाई कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में ECU का आइकन लाइट है। छोटी मोटी बात कर लेते हैं इंजन के बारे में, 124 cc का सिंगल सिलेंडर CVT इंजन है इसका, और इसकी जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है वो है आपकी 8.7 bhp, और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 10 mm। ठीक है, 8.7 bhp कितना जस्टिफाई करता है इस स्कूटी को चलाने के बाद पता लगेगा। सो गाइस अगर फ्यूल टैंक की बात की जाए ना इस स्कूटी की तो वो है 5 लीटर की, और कंपनी जो इसका माइलेज क्लेम करती है वो करती है 52 kmpl, मतलब के 52 से 55 kmpl तक कंपनी माइलेज क्लेम करती है इसकी। बाकी चलाने वाले पर डिपेंड करता है कि भाई वो कैसे चलाता है, ठीक है। और माइलेज का जो होता है ना भाई वो राइडर पर ही डिपेंड होता है। अगर इंजन को ज़्यादा रेव करोगे तो माइलेज कम मिलेगा, इंजन को कम रेव करोगे इकोनॉमी स्पीड पे चलाओगे तो माइलेज मिलेगा ज़्यादा। बट सुजुकी का भाई माइलेज के मामले में सुजुकी भी एक नंबर है, बढ़िया चीज़ है, क्योंकि यार जापनीज इंजन जापनीज ही होते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं होता। सो गाइस इसका जो टैंक कैप है वो बाहर से ही ओपन हो जाता है, खाली आपने की लगानी है और ओपन कर देना है। मोस्टली स्कूटियों में क्या होता है आपका जो टैंक कवर होता है वो यहाँ से खुलता है, लेकिन भाई मैकेनिज्म जब पुराना हो जाता है ना तो वो अटकने लगता है, रुकने लगता है, और सर्विस सेंटर वाले भाई इतना ध्यान नहीं देते कि उसको ल्यूब किया जाए। वो तो बंदा खुद ही कह के कराता है कि भाई इस पर ल्यूब कर देना, यहाँ स्प्रे मार देना और यहाँ ऑयलिंग कर देना, मतलब बंदा जब बताता है जब भी कंपनी वाले काम करते हैं, सर्विस सेंटर वाले ऐसे काम नहीं करते। बट इसमें ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई ये कभी ख़राब होगा ही नहीं, ये नॉर्मल जैसे पहले आता था ना सिस्टम कि आपने चाबी को पुश किया और हाथ में आ गई ये कैप, ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, तो ये भाई जल्दी से ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। सो गाइस अंडर सीट कैपेसिटी की बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, 22.5 लीटर की अंडर सीट कैपेसिटी है, मतलब के 22.5 लीटर का ये स्पेस है जिसमें आप एक मीडियम साइज़ या फुल साइज़ हेलमेट भी बड़े आराम से रख सकते हो, उसके साथ ग्लव्स वगैरह जो भी आपका छोटा मोटा सामान है वो सारा आप रख सकते हो। बट इसमें यहाँ कोई लाइट वगैरह नहीं थी, अब वो लाइट सुजुकी ने क्यों नहीं दी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और सीट की क्वालिटी भी आप देख सकते हो यार, सीट की क्वालिटी भी भाई टॉप नॉच क्वालिटी है, ये सारी आप फिटिंग और फिनिश देख सकते हो। इस अंडर सीट बहुत अच्छी क्वालिटी है भाई, मुझे काफ़ी पसंद आई स्कूटी। लॉक सिस्टम देख लेते हैं, बहुत सॉफ्ट है भाई लॉक भी। इस स्कूटी में काफ़ी सारे वेरियंट आते हैं बट ये भाई सबसे टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ और जो फीचर बता रहा हूँ ये सारे टॉप मॉडल के फीचर हैं। बाकी यार टॉप मॉडल में कॉस्मेटिक का ही फ़र्क होता है, छोटे मोटे फीचर का फ़र्क होता है, बाकी इंजन की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो सेम ही होती हैं। सो गाइस अब बात करते हैं स्कूटी के प्राइस की, तो एक्सेस 125 का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 74,400, मतलब कि 74,400 रुपये एक्स शोरूम डेली, बाकी आप उसमें RT और इंश्योरेंस ऐड कर लेना। सो गाइस अब इस स्कूटी को राइड करने की बारी, राइड करके देखते हैं भाई ये कैसी चलती है स्कूटी, ठीक है। तो चलो भाई स्मूथ बहुत है इंजन, बहुत स्मूथ इंजन है भाई, बहुत स्मूथ इंजन है, मतलब कि जितनी इसकी पावर है ना उसमें जस्टिफाई करता है इंजन। मेरे को लग रहा था कि भाई पावर थोड़ी सी कम है, लेकिन चलाने के बाद मेरे को फील हो गया कि भाई पावर कम नहीं है। देखो मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरे साथ पिलियन भी है, एक छोटा बच्चा बैठा हुआ मेरे पीछे, बावजूद उसके भी भाई बहुत अच्छा पिकअप ले रही है स्कूटी। और एक चीज़ और बता दूँ, मेरा जो वेट है वो है 92 kg, ठीक है 92 kg भाई बहुत ज़्यादा वेट होता है राइडर का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ 92 kg होने के बाद भी भाई पिकअप बहुत अच्छा ले रही है स्कूटी। तो बैलेंस की अगर मैं बात करूँ भाई, बैलेंस तो यार भाई टॉप नॉच क्वालिटी है बैलेंस के बारे में, भाई स्कूटी का बैलेंस बहुत प्यारा है यार। देखो ये जो है ना राइड रिव्यू, ये बिल्कुल नेचुरल है भाई, इसमें अपनी तरफ से मैं कुछ एडिशनल ऐड नहीं कर रहा, जो अब बता रहा हूँ आपको जितना मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ स्कूटी चला के, जितना मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब पसंद आ रही है, तो मैं वो सारी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई स्कूटी के ब्रेक भी टेस्ट कर लेते हैं भाई, एक फुल्ली फैमिली
फुल्ली फैमिली वाली स्कूटी है ये, मतलब के बहुत अच्छी क्वालिटी है यार स्कूटी की। इंजन, ब्रेक, सस्पेंशन, ये देखो सस्पेंशन भी भाई गजब सस्पेंशन है स्कूटी के। यहाँ से ले लेते हैं यू टर्न और एक बार चेक कर लेते हैं। वाह, देखो मेरे साथ पिलियन है, ये देखो हाथ दिखाना अपना, ये देखो। उसके बावजूद भी ना भाई स्कूटी में पिकअप बहुत बढ़िया मिल रहा है। सो गाइज, इन द एंड मैं यही कहूँगा, मैंने इस स्कूटी को चलाया 2-3 किलोमीटर और मैंने चेक किया इसका सस्पेंशन और इंजन की स्मूथनेस और बॉडी बैलेंस वगैरह और ब्रेक सिस्टम। तो ओवरऑल पूरी स्कूटी चेक करने के बाद, जज करने के बाद भाई मेरी इस स्कूटी को जो रेटिंग है ना वो है 5 में से 5 स्टार, सच बता रहा हूँ। मेरे को बहुत पसंद आई है स्कूटी चलाने में और मैं इसको रेटिंग भाई 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना पसंद करूँगा। और अगर मेरे से कोई पूछता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कि भाई अगर मेरे से कोई पूछता है कि शानू भाई आपको अगर स्कूटी लेनी है 125 cc में तो आप कौन सी लोगे या कौन सी दिलवाना पसंद करोगे, तो भाई मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन पे भाई सुजुकी एक्सेस ही होगी। देखो इस कैटेगरी में और भी स्कूटी आती हैं, मैं रॉन्ग साइड ले रहा हूँ सॉरी, क्योंकि शोरूम आगे से फिर यू टर्न लेके आना पड़ेगा तो काफ़ी लंबा है वो। देखो इस कैटेगरी में और भी स्कूटी आती हैं 125 सीसी के अंदर, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा कि बेकार स्कूटी हैं, लेकिन भाई फर्स्ट रिकमेंडेशन जो है मेरी वो भाई एक्सेस 125 को ही है, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी स्कूटियाँ चलाई हैं मेरे को भाई उनमें सबसे ऊपर यही स्कूटी लगी है। सो गाइज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये थी एक छोटी सी वीडियो सुजुकी एक्सेस 125 BS6 मॉडल के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना और ना पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। और भाई जिसको भी सुजुकी कोई भी भाई कोई भी स्कूटी चाहिए हो वो आ जाए धर्म सुजुकी नांगलोई के अंदर, ठीक है, नजाबगढ़ रोड पर शोरूम पड़ता है, आप यहाँ से आके कोई भी स्कूटी ले सकते हो। और सुजुकी एवनीस 125 भी आने वाली है, उस पर भी जल्दी वीडियो शूट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि उसमें कितना दम है, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।